मुझे सुपर स्ट्रेंथ काम करेगा। जितने भी अगर लोग हैं जिनका कुछ गोल बहुत बड़ा है जिम का और बहुत स्ट्रांग वर्कआउट करते हैं, मैं एडवाइस करूंगा वो लोग सुपर स्ट्रेंथ फिश ऑयल लो, और बाकी जिनके नॉर्मल रूटीन है सिर्फ जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, छोटा मोटा वर्कआउट है, यू कैन टेक नॉर्मल वंस। और खुद भी नहीं यार, एनीबडी अबव द एज ऑफ 12 नो, सब लोग फिश ऑयल को कंज्यूम कर सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, फैमिली में सबको दो यार, एक बॉक्स लेके और सबको बोलो यार सबको डेली खाना है फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, दी सप्लीमेंट्स, ये तो मस्ट हैव है आजकल। ठीक है, आपसे पूछिए अभी 840 mg इसके अंदर जो है EPA and DHA होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट टू नोट, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट टू टू See, EP and DHA are basically, these are long chain of omega 3 fatty acids only. आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और 840 मिलीग्राम इज अ गुड अमाउंट, बहुत अच्छा अमाउंट है, और एक कैप्सूल ही आपको एड कर देगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अगर इसकी वैल्यू काफी कम होगी तो आपको कई बार ज्यादा भी दो डोसेस भी लेनी पड़ जाती है, क्योंकि आपको डेली इनटेक भी पूरा करना है, तो ये बस आपका एक ही जो कैप्सूल होगा वो डेली इनटेक आपका एक दिन का पूरा कर देगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, एक्चुअली यू आर राइट। सो वन कैप्सूल पर डे, इवन फॉर पीपल हु आर कंप्लीटली इनटू फिटनेस, लाइक मैं भी काफी जिम जाता हूं, तो मेरे लिए भी एक बहुत है। एक कैप्सूल इज ठीक है, ठीक इनफ फॉर अ डे, या आपको एक ही खाना है। जैसे यार पहले लोग मल्टीविटामिन खाते थे, आई रिमेम्बर हम केमिस्ट से जाके ले लेते थे मल्टीविटामिन, तो होता है, बट डिपेंड करता है उसकी वैल्यू कितना है। अगर मल्टीविटामिन में विटामिन के है, B12 है, B6 है, और उनका वैल्यू किसी का 20% है, 30 है, 40 है, तो आपको डेली इनटेक का नहीं मिल रहा है, तो मेक श्योर कि मल्टीविटामिन और फिश ऑयल उनके डेली इनटेक पूरी हो, वैल्यू सबकी 100% हो, एटलीस्ट 100, क्लोज टू 100 हो, तो कि आपका एक ही कैप्सूल में काम हो जाए। यार नोबडी हैज टाइम, नो मैं बड़ा लेजी हूँ सप्लीमेंट्स और ये सब खाने में, बट अगर कोई मुझे कहे यार एक टैबलेट आपको खाना है आफ्टर वर्कआउट, दैट आई कैन टेक, दो बार मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए गुड इनफ ब्रांड है 840 मिलीग्राम्स वन कैप्सूल अ डे, एंड दैट्स इनफ। ऑलराइट, सो आई थिंक कंप्लीटली मेरे को सारी बात समझ आ गई, बिकॉज़ आई आल्सो हैड क्वेश्चन इन माय हेड कि आज सब ये सही, ये तो करना बनता था, मतलब वंस इन द लाइफ स्पेशली, बट एनीवे भाई इट वाज रियली नाइस हैविंग यू लाइव राइट नाउ, एंड एनीबडी एंड एवरीबडी जो चाहता है अपनी बॉडी में थोड़ा चेंज लाना, आई थिंक इट्स अ टोटल रिकमेंडेशन फ्रॉम यू टू गो फॉर एचके वाइटल्स सुपर स्ट्रेंथ फिश ऑयल, बट ओनली फॉर पीपल जो की हार्ड कोर लाइक बॉडी वॉडी बनाना चाहते हैं, बॉडी हाँ मतलब जिनका फिटनेस गोल ज्यादा है, एमएमए कर रहे हो यार, कुछ भी एमएमए कर रहे हो, कुछ भी जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट इसके अंदर आपका आ रहा है, यू बर्निंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज, तो वो बंदा हाई स्ट्रेंथ ले सकता है फिश ऑयल, बाकी अदरवाइज गो फॉर द नॉर्मल वन, और बड़ा इजी है, गो टू hkvitals.com वेबसाइट को खोलो, उधर आपको बड़ा सारा मिलेगा सप्लीमेंट है, चूज एनी, और मेरा यार कोड भी चलता है Varun20 करके, उसको लगाओ और आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस सुन लो भाई सब लोग, Varun20 इज द कोड, इसको लगाओगे 20% डिस्काउंट। कुछ नहीं, फिश ऑयल हैज नथिंग टू डू विद द हाइट। बाकी यार ये सब ना कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो यार अपनी पर्सनल चैट पे करेंगे, अभी मैं लाइव हूँ हेल्थ कार्ड के साथ। नजर नहीं आया क्वेश्चन मेरे को, कुछ नजर नहीं आया। अच्छा आपको क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे? नहीं मेरे मतलब इन द सेंस लाइक आई डोंट सी एनी क्वेश्चन, सब ये कह रहे हैं बिग फैन दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ऑल दैट, बट लाइक नथिंग, क्रिएटिन इज कंपलसरी समबडी आस्क्ड, यार क्रिएटिन ना सप्लीमेंट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। देखो क्रिएटिन के नॉर्मली बॉडी में कहते हैं कि उसको ले लो, बॉडी में नहीं बनता है, सही है किडनी के लिए, बट क्रिएटिन यार एक सप्लीमेंट ऐसा है कि वो उसका जो कहते हैं बहुत चीप सप्लीमेंट है, तो वो कुछ एड करता नहीं, इतना हेल्प करता है कि कोई अगर 9 reps लगाता होगा वो 10 लगा देगा, इतना सा स्ट्रेंथ में इफेक्ट देता है, सो आई डोंट रिकमेंड क्रिएटिन, उसके बड़े बड़े सप्लीमेंट आ गए, पहले नहीं होते थे, सो आप एक टेक अ गुड मल्टीविटामिन फिश ऑयल लो, BCAA लो, टेक EAA, इज गुड प्रोटीन, एंड दैट्स इनफ, आपको जरूरत नहीं है क्रिएटिन लेने की। किसी ने अभी पूछा कि वेट लॉस के लिए प्रोटीन शेक लेना चाहिए और मसल गेन के लिए भी क्या सप्लीमेंट? एक प्रोटीन का काम सिर्फ कहते हैं ना मसल बिल्डिंग तो है, बट साथ साथ फैट लॉस में भी एड करता है, जैसे फिश ऑयल भी आपको इट हेल्प्स आपका लूज फैट
आपको वेट लॉस में हेल्प कर। हाँ तो ऐसा नहीं है, प्रोटीन देखो आप कैलोरीज कम करोगे तो ऑफ कोर्स वेट कम हो जाएगा, घर बैठे बैठे भी हो जाएगा कैलोरीज कम करोगे, बट आप जब प्रोटीन लेते हो साथ साथ मसल आपका बनता है, साथ साथ मसल बनेगा तो यू विल बी मस्कुलर, ज्यादा अच्छे दिखने वाले हो, तो एक दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं, आपका फैट लॉस भी हो रहा है साथ साथ यू आर गेनिंग मसल, एंड वही एक लीन जो मसल होता है उसके लिए लोग हसल करते हैं, सो वो चीज है। तो प्रोटीन इज रियली इंपॉर्टेंट, नहीं लोगे तो बस आप फैट लूज करते रहोगे बट मसल नहीं बनेगा विदाउट प्रोटीन। कुछ लोग ब्रांड्स के बारे में पूछ रहे हैं, विच ब्रांड्स, प्रोटीन भी पूछ रहे हैं, फिश ऑयल भी पूछ रहे हैं, व्हाट शुड व्हाट टू गो फॉर, लाइक या फिश ऑयल तो हमने बता दिया आपको कि फिश ऑयल तो आप एचके वाइटर्स को आंख बंद करके ट्रस्ट करके ले सकते हो, बाकी प्रोटीन ब्रांड एनी गुड ब्रांड यार, जैसे आई टेक दीस डेज आई एम टेकिंग डायमेटाइज हाइड्रोलाइज प्रोटीन, 3-4 महीने से ले रहा हूँ, वेरी नाइस प्रोटीन यार, वो ले सकते हो, टेक एनी यूएस ब्रांड, कोई भी यूएस ब्रांड है आंख बंद करके आप उसे उठा सकते हो, मतलब इंडिया में भी बड़े अच्छे ब्रांड्स आ गए यार, इंडिया में भी क्वालिटी जा रहा है ऊपर, मसल बेस भी है अच्छा जा रहा है, तो दीज पीपल आर स्लोली वर्किंग, स्लोली स्लोली जैसे टाइम चेंज होता रहेगा देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विल आल्सो इंप्रूव, और धीरे धीरे फिर इंडियन ब्रांड्स पे भी हम लोग आ जाएंगे, यही तो होता है ट्रेंड, पहले आप यूएस ब्रांड्स की तरफ जाते हो, फिर इंडिया में जब अच्छा अवेलेबल हो जाए तो हम इंडियन ब्रांड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, टेक यू कैन टेक बोथ द ब्रांड्स, जैसे मैं बहुत सारे जिम में देखता हूँ इंडियन ब्रांड्स भी लोग चलाते हैं, और अगर इंडियन ब्रांड्स है उसको आपने उसका लैब टेस्ट कराया, उसके प्रोटीन वैल्यूज और उसका जो लेबल है अगर वो करेक्ट है देन गुड टू गो, क्यों नहीं ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, प्रोटीन ब्रांड से ज्यादा आप उस लेबल को देखो, मैं कहूंगा जस्ट वॉच आउट द लेबल, लेबल चेक करो उसमें क्या प्रोटीन वैल्यू है, क्या कार्ब है, कितना फाइबर है, कितना शुगर है, एंड देन टेक इट। एनी अदर क्वेश्चन? सिंगल बॉडी और डबल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग? हाँ सॉरी सॉरी, किसी ने लिखा है बनाना खाने से बॉडी बनेगा? बनाना खाने से बॉडी, या ऐसे बनाना में तो क्या ही है कि बॉडी बनेगा, एक कहते हैं ना सीजनल फ्रूट्स खाने अच्छी चीज है, एक फ्रूट्स आप दिन में एक स्नैक मील की तरह यू कैन टेक ब्रेकफास्ट के 1.5 घंटे बाद यू कैन टेक फ्रूट्स, उसमें आप बनाना ले सकते हो, बट बनाना से सिर्फ बॉडी बनेगा दैट्स रॉन्ग, जैसे प्रोटीन से भी बॉडी नहीं बनेगा ना, आपको उसके साथ साथ भी बहुत कुछ खाना पड़ेगा, वही वाली चीज। अच्छा कोई पूछ रहा है सिंगल बॉडी और डबल बॉडी पार्ट, डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग एंड योर डाइट, आप कितना खाते हो, अगर इफ योर डाइट इज रियली गुड एंड स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप अच्छा डाइट ले रहे हो और आपको अच्छा 7-8 घंटे का स्लीप मिलता है ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर डबल बॉडी पार्ट, बट अगर आपका स्लीपिंग रूटीन ऐसा है कि आप बहुत कम सो पाते हो, ऑफिस टाइम ज्यादा दे रहे हो, तो रिकवरी कहां से मिलेगा, तो फिर आई विल से कि आप सिंगल बॉडी पार्ट पे रहो, बट अगर सोने को अच्छे से मिलता है और प्रोफेशन है ये तो 2 बार जरूर कर सकते हो। डन डन डन, चलो आई थिंक दैट्स इनफ, है ना, हो गया आई थिंक, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव आंसर्ड एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी टू हैव यू लाइव, ये तो पता ही था। समीन अख्तर, अच्छी बात नहीं है आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कितने लोगों का मैं रिप्लाई कर रहा हूं, मैं सबका देख रहा हूं, बट आई प्रॉमिस यू ऑल मैं अपने पेज से ना लाइव आने वाला हूं इसी वीक के अंदर, और फिर मैं आप लोगों से 1-to-1 क्वेश्चन लूंगा एंड दैट विल बी अ बिग लाइव, हम 1 घंटे तक बातें करेंगे, बट अभी इवन आई हैव अ इवेंट टू अटेंड, तो आई एम रियली सॉरी अगर आपके क्वेश्चंस मिस हो गए हो, बट मैं नेक्स्ट टाइम पक्का नेक्स्ट वीक आप लोगों से आऊंगा कनेक्टेड एंड हम डिस्कस करते रहेंगे अपने फिटनेस गोल्स। देखो जिम आने है भाई तुम्हारे जिम आने है कहां पे? एनी टाइम, कम एनी टाइम, इट्स नारायण विहार न्यू दिल्ली, कम एनी टाइम, आई विल सी यू देयर डेफिनेटली, परफेक्ट, वर्किंग आउट फॉर श्योर, चलो इट वाज नाइस हैविंग यू लाइव, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर, नाइस टॉकिंग टू यू, ऑलराइट, सी यू, बाय, बाय।